नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संबल बहजोई विकासखंड गुनोर के ग्राम केल के प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ एवं विकासखंड पवासा के ग्राम नूरिया सराय के प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ का जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्राम केल के बूथ से संबंधित व्यवस्थाओं, रैंप, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था आदि को देखते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ग्राम नूरिया सराय के बूथ का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि बूथ पर पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में ना आए। प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र सुनीता देवी उपस्थित पाई गईं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद, उप जिलाधिकारी गुन्नौर रमेश बाबू, संबंधित क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। देखिए, आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर हम लोगों ने सभी तैयारियां अपनी एज पर शेड्यूल कर रखी हैं। बहुत ही जल्दी आचार संहिता लागू होने की संभावना है, तो उसके लिए जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, हमारी FSTs जिनके गठन ऑलरेडी हो चुका है, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो एक्टिव हो जाएंगी, फील्ड में आ जाएंगी, जिसके बाद 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी होर्डिंग्स या फ्लैग्स या बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको सबको हटवाया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो कैश मूवमेंट है या अन्य जितनी भी लिकर या प्रेशियस मेटल, इन सब के मूवमेंट पर निगरानी हमारी सख्त हो जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अवैध मूवमेंट इन चीज़ों का ना हो सके। इसके अलावा जो निर्वाचन के संबंध में है, हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हमारे मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कल हो गई थी और पोलिंग पार्टीज का पूरा डेटाबेस हमारा तैयार है। जितने भी हमारे कार्य होते हैं उन सभी के नोडल ऑफिसर्स हम लोगों ने तैनात कर लिए हैं और उन सबकी ब्रीफिंग डिटेल्ड रूप में कर ली गई है। जैसे जैसे चुनाव का शेड्यूल आएगा, उसके हिसाब से हमारी, चाहे वो निर्वाचन सामग्री हो, चाहे वो फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो पर्सनल मैनेजमेंट हो, उन सभी की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से चुनाव करवा लेंगे।